ऑलराइट हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस सेट पर्ड एक्सपी और सार्वेंद्र, जो भी जिस नाम से भी आप मुझे जानते हो, चाहे हाउ टू एडिट चैनल नाम से जानते हो, चाहे आप लाइक बिफोर ब्रांड 1811 नाम से जानते हो, तो सारे चैनल मर्ज हैं और जस्ट ये है। और ब्रांड 1811 वाला भी मेरा चैनल है। जस्ट जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उस पर भी फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल आ जाएगा, वीडियो एडिटिंग का भी ट्यूटोरियल जो मैं करने वाला हूँ, और पबजी का जो मेरा प्रोजेक्ट बनाया, जैसा आप देख सकते हैं चैनल पे, तो वो वाली एडिटिंग भी मैं वहाँ पे डालूंगा कि कैसे कर सकते हैं आप। थोड़े मैं गेम प्ले खेल रहा हूँ और जस्ट उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करके मैं आपको वहाँ समझाऊंगा। और अभी बात करेंगे जो भी मेरा डायनमो का प्रोजेक्ट है। डायनमो पबजी रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, डायनमो जस्ट मेरा एक कंसेप्ट है। और लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है वो कंसेप्ट जिस पे बात होगी, और इसमें आप डिटेल्स देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स रखी हैं मैंने, फ़ोटो बहुत प्यारी बनाई है। और प्लीज़ ज़रूरी से सपोर्ट करें इंस्टाग्राम पे, अगर आप मेरी PNGs यूज़ करते हैं तो मुझे टैग भी करें, क्योंकि मैं आप सबको शाउट आउट दे सकता हूँ, जिसकी फ़ोटो अच्छी रहती है तो उसे मैं ज़रूर शेयर करता हूँ अपनी स्टोरीज पे, क्योंकि आपकी रीच इंक्रीज हो, आफ्टर ऑल आपको बेनिफिट मिले, इसलिए सारी चीज़ें मैं अच्छे से देखता हूँ और मैनेज करके मैंने हर चीज़ रखी है टेलीग्राम में। और सबसे पहली बात, जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि टेलीग्राम के लिंक नहीं चल रही है, तो सो प्लीज़ अपने फ़ोन को ज़रा चेक करें, क्योंकि 1300 से ज़्यादा लोग हैं उस ग्रुप में और वो सारे ज्वाइन हो रखे हैं और आप ही ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो। सो इसमें मेरे को कुछ नहीं पता है कि लिंक चल रही है कि नहीं चल रही है, मैं डेली चेक करता हूँ, लिंक हमेशा वर्क कर रही होती है, क्योंकि टेलीग्राम मेरा नहीं है, टेलीग्राम बहुत बड़ी कंपनी है यार, उनकी लिंक नहीं वर्क करेगी, आप कैसे सोच सकते हो। आप ट्राई आउट करें गूगल क्रोम में, या नहीं चलता तो आप टेलीग्राम में जाके लिख सकते हैं सार्वेंद्र, और आपको पहले ही वो ग्रुप मिल जाएगा और आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एक्सक्यूजेस मत दीजिए मुझे कि मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, मैं आ नहीं पा रहा, मैं ग्रुप में नहीं हूँ। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उसकी, आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। और ये जितने भी एसेट है इसमें, जैसे फुटबॉल बैकग्राउंड, डायनासोर मैंने यूज़ कर रखा है, टीरेक्स बोलते हैं इसे, तो जो भी यूज़ कर रखी है, और हेज क्रिएट कर रखी है, तो ये सब भी मैं डालूंगा उधर, कि थोड़ा आपको हेल्प मिले कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। और मैंने कमेंट्स रीड आउट करे थे तो उसमें मेरे को थोड़ी चीज़ें मिली, लाइक कि मैं माइक यूज़ करूँ। सो यार माइक थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, अराउंड 10,000 तक का है, तो यार अभी यूट्यूब से इनकम कोई जनरेट नहीं हो रही है मेरी कि मिले मुझे कोई पैसा। सो होपफुली मैं ज़रूर परचेज़ करूँगा और इंक्रीज, तब तक आपको इसी टोन में मेरे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और लाइक आपने बोला था फास्ट फास्ट भी करूँगा मैं, लाइक पहले बहुत धीरे धीरे बनाता था, मैं गो थ्रू रहता था, लेकिन आप स्पीड अप रहेगी हर चीज़। और फुल ट्यूटोरियल्स का भी जल्दी आने वाला है, क्योंकि अभी मेरा मैकबुक सपोर्ट नहीं करता फुल ट्यूटोरियल। सॉरी, इसमें अभी मैं डिटेलिंग की बात करता हूँ, तो डिटेलिंग में जो आपको चीज़ें दिखानी है वो है बस ये शेडो जो क्रिएट हुई है, मेनली जो चीज़ें मैं आपकी कवर करूँगा इस टॉपिक में वो है ये शेडो। हेयर कटिंग नहीं करूँगा, हेयर कटिंग का ट्यूटोरियल पहले से है डाउन, आप चेक कर सकते हैं चैनल में, हेयर कटिंग ट्यूटोरियल पहले से डाल रखा है और बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है वो। और उसके बाद ये ग्लोइंग है और रिम लाइट ट्यूटोरियल है, जो रिम लाइट्स यहाँ क्रिएट रखी हैं, तो उसका भी ट्यूटोरियल है पहले से ही चैनल में, आप ज़रूर चेकआउट करें वो सारे, तो आपको ये क्रिएटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ मैंने ये लेंस फ्लेयर्स डाल रखे हैं, बहुत ही रियलिज्म क्रिएट कर देती हैं लेंस फ्लेयर फोटो में, तो ये बहुत ओपी चीज़ है, तो ज़रूर मैं आपको सारी चीज़ें ये बताऊंगा। और मोशन ब्लर जो फुटबॉल में डाला है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टॉपिक में सीखना। सो थ्रू आउट द कोर्स आज आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखें, और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फोटोशॉप की जब आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हो। और मैंने बिगनर ट्यूटोरियल 1 और 2 ज़रूर बना रखा है, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा लाइक अंडरस्टैंड करने में ये ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो एग्जिट करते हैं फुल स्क्रीन मोड और बैक करते हैं जंप अपने ट्यूटोरियल में।
तो सबसे पहले यहाँ मैंने इंपोर्ट कराया वॉलपेपर। वॉलपेपर मैंने जस्ट unsplash.com से निकाला है, आप यहाँ देख सकते हैं unsplash लिखा हुआ है पहले से। तो इसे रीनेम कर देता हूँ BG, और ये बैकग्राउंड लेयर है हमारी सबसे पहली। और इसको थोड़ा सा मैंने ये फेडेड टोन थी, तो फेडेड टोन हटाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ आना हुआ है और एक्सपोजर पे क्लिक करना होगा। एक्सपोजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप गामा करेक्शन जब आप सेट करेंगे थोड़ी सी लोअर, तो आपको कुछ लुक ऐसा अचीव हो जाएगा। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ पे कर रखा है एक्सपोजर में, ठीक है। आप देख सकते हैं गामा करेक्शन कर रखे हैं। और जस्ट गामा करेक्शन ही ज़रूरी नहीं होती है फोटोज़ में, कभी कभी आपको एक्सपोजर भी सेट करना पड़ता है। तो एक हेल्पफुल टूल है, आप ब्लेंड कर सकते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से, और मैंने ये भी यूज़ कर रखी है अपने इसमें। उसके बाद मैंने खुद को इम्पोर्ट कराया और खुद को मैंने घर में क्लिक कर रखा था छत पे। तो जस्ट सबसे पहली चीज़ और आखिरी चीज़ यही होती है कि आप एक बैकग्राउंड ढूंढे जो आपके फोरग्राउंड के साथ बहुत अच्छे से सेट बैठे। लाइक यहाँ पे अभी मुझे विजन था कि मैं जस्ट इमेजिन कर सकता हूँ कि ये फोटो हाँ आगे चल के बेटर बन जाएगी। मैंने टीरेक्स का सोचा भी नहीं था, और जस्ट लाइक वो अपने आप ही आया था जब मैं सर्च कर रहा था थ्रू नेट से, तो वो PNG मुझे शो हुई तो मैंने उसे भी ऐड करा। तो ये जस्ट कंसेप्ट क्रिएटिंग की बात होती है कि आप कैसे कैसे कर रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं। जस्ट मेरे को फन इफेक्ट्स बनाने पसंद है फोटोशॉप में, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ ये सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को पता था कि जस्ट इमेज अच्छे से हो जाएगी। अब मुझे यहाँ अपने आप को ब्लेंड करना था, तो एक्सपोजर से मैंने यहाँ ब्लेंड करा था अपने आप को, लेकिन बहुत लिटिल बिट, यहाँ को छेड़ा ही नहीं मैंने। हाँ नहीं, यहाँ वन कर रखा है, ये अगर जीरो करोगे तो आपको कुछ ऐसा आएगा, शायद वन ही है। एक्सपोजर में कुछ करा नहीं है मैंने, और यहाँ पे जस्ट ब्लू लाइट क्रिएट करी है मैंने कलर बैलेंस से। तो कलर बैलेंस से कैसे आप ब्लू लाइट क्रिएट कर सकते हैं, सियान को थोड़ा इधर लाके, ठीक है, तो एक ब्लू टोन सी अचीव हो जाएगी आपको और इजी रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा हेज डाल रखा है। हेज जस्ट मैं इसी PNG शेयर कर दूंगा, कोई वो नहीं है क्रिएटिंग का ब्रश व्रश नहीं है। हेज जस्ट लाइक अपने ब्रश को बहुत बड़ा करने का और फिर फ्लो 10 पे रखने का और फिर धीरे धीरे। तो आपको मेरा पॉइंट पता चल गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद मेन है रियलिज्म शेडो क्रिएट करने की, ठीक है। तो ये शेडो कैसे क्रिएट हुई यहाँ पे इजी वे में, तो ये सब बंद करता हूँ मैं और आपको सही से बताता हूँ शेडोज कैसे क्रिएट हुई। तो यहाँ सबसे पहले आपको कोई सॉफ्ट फेदर्ड ब्रश लेना है, और यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, और जस्ट फुट के नीचे धीरे धीरे एक शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है। अब ये एक ब्लेंडेड शेडो क्रिएट हो गई है यहाँ पे। अब इरेजर लेके आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साइड से श्रिंक कर देना है, ठीक है। अब वो फुट परफेक्टली वहाँ पे फिट हो गया है, ठीक है, उसे अब कहीं इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। न्यू लेयर में स्ट्रोक्स लंबे रखना पहले, लाइक दिस, ठीक है। फिर अपने आप में इरेजर लेना, आप उसे बड़ा कर सकते हैं और इरेजर से उसे थोड़ा थोड़ा सॉफ्टन कर देना, ठीक है। अब एक आपने यहाँ से न्यू लेयर लेनी है। अब आपको फ्लो रखना है पूरा, ठीक है। अब फ्लो जब आप पूरा रखेंगे तो यहाँ हार्ड लाइट क्रिएट होंगी, हार्ड लाइट है जो हमें बहुत नीडेड थी यहाँ पे, ठीक है। अब उसे थोड़ा और हम करेंगे, और फिर उसके बाद इरेजर लेंगे और लाइक उसी पोज में हम इरेज करेंगे जिसमें लैग थे, और जस्ट हल्का सा फैदर आउट और टोन। और यहाँ हमने वो रियलिस्टिक शेडो क्रिएट कर दिए 3 लेयर में जैसे मैंने कर रखी थी, ठीक है। तो आप भी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं इजीली। थोड़ा मैंने इसमें ज़्यादा टाइम खपाया है, तो यहाँ मैंने शेडो भी अच्छे से क्रिएट कर रखे है, इधर की भी और इधर की भी क्रिएट कर रखे। सो शेडो का कंसेप्ट पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा।
क्योंकि मैं पूरे ट्यूटोरियल्स नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ ब्रेकडाउन्स में बताऊँ आपको। ब्रेकडाउन्स में भी बार बार लाइक स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ कि कैसे कैसे करा है, तो आप भी ऐसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने रिम लाइट क्रिएट कर रखी है, अगर आपको दिखे इस बार बहुत ही मिनिमल रिम लाइट्स क्रिएट है, तो रिम लाइट का ट्यूटोरियल है पहले से, तो वो आप देख सकते हैं। जस्ट यहाँ मैंने कुछ नहीं करा है, ब्रश बिल्कुल बहुत छोटा लिया है 4 तक का, और जस्ट ऐसे रिम लाइट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऐसे, जैसे यहाँ मुझे क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे चिन के पास और फिर उसे इरेज कर दीजिए जहाँ तक आपको चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, परफेक्ट। जस्ट ये सब हटा देता हूँ मैं फिर से। तो रिम लाइट बनाने का मैंने बहुत अच्छे ट्यूटोरियल पहले से ही बना रखा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फेदर्ड शेडो डाली है, शेडो कह रहा हूँ लाइट, क्योंकि यहाँ से आप ब्रश लेंगे और बहुत बड़ा, और यहाँ से कोई भी कलर सैंपल करके ऐसे ऐसे, तो उससे क्या होगा, एक एक्सटर्नल लाइट्स आ जाएंगी जो एनवायरनमेंट की होती है, तो एनवायरनमेंट लाइट यहाँ मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रखी है। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा शेडोज़ डाउन करी है, शेडोज़ यहाँ से आप पहले डाउन करें और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ थोड़ी लाइट कम होनी चाहिए, यहाँ कम होनी चाहिए, तो वो प्लेसेस पे मैंने जस्ट मास्क। उसके बाद मैंने फुटबॉल ऐड कर रखी है, और फुटबॉल में ये ब्लर कहाँ से आया, तो ये ब्लर आपको सीखना है, यहाँ ब्लर और मोशन ब्लर। ठीक है, जब आप मोशन ब्लर लेंगे जिस भी डायरेक्शन में आपको चाहिए होगा, आप उधर एंगल कर सकते हैं और डिस्टेंस को कम ज़्यादा करके आप वो ब्लर अचीव कर सकते हैं। तो ये एक मेन पॉइंट था, क्योंकि तो लोग गॉसियन ब्लर यूज़ करते हैं, सो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको हमेशा मोशन ब्लर यूज करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जिस जिसने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी कर लो यार, क्योंकि ट्यूटोरियल बना रहा हूँ रात के 11:46 पे। ठीक है, तो ज़रूर सपोर्ट करें। और यहाँ मैंने एक और रिम लाइट दे रखी है, जस्ट ब्रश लिया और जस्ट ऐसे पेंट। ठीक है, और उसके बाद आपको क्लिप कर देना है, लाइक अगर क्लिप नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ही क्लिप करेंगे आप तो वो एक्सटर्नल हट जाएगा और वो उसके ऊपर आ जाएगा, फुटबॉल के ऊपर। ऑल्ट प्रेस करने पे क्लिप आता है। ठीक है, ऑल्ट आप यहाँ लाएंगे माउस, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, सो ये टीरेक्स के पैर की शेडो है, जस्ट सिमिलर जैसे मैंने अपने पैर के नीचे बनाई है, मैंने टीरेक्स के भी पैर के नीचे बनाई है। और यहाँ एक्सपोजर मैंने कट कर रखा है टीरेक्स का भी सेम, आप देख सकते हैं यहाँ एक्सपोजर की ज़रूरत पड़ी और ऑफसेट की। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मेन काम है। और उसके बाद मैंने रिम लाइट क्रिएट कर रखी है टीरेक्स की, क्योंकि लाइट मेनली और मोस्टली इधर की साइड से ही आ रही है। उसके बाद मैंने कलर लुकअप डाल रखा है, कलर लुकअप हमेशा पसंद आता है मुझे, और कलर लुकअप है नाइट फ्रॉम डे, और जहाँ जहाँ सेलेक्टेड लगा मैंने वहाँ वहाँ डाला है, ज़्यादा एक्सटर्नल नहीं डाला और ओपेसिटी कम ही रखी है, क्योंकि ज़्यादा पे कुछ ज़्यादा ही नाइट हो जा रहा था। उसके बाद जस्ट थोड़ी सी हेज, और फिर कलर ग्रेड। कलर ग्रेड के लिए पहले से ही एग्जेम्पी मैंने ग्रुप में डाल रखी है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं, वो कैलेंस क्लाउड नाम से है, और एग्जेम्पी जब आप करेंगे तो थोड़ी ट्वीक्स एंड चेंजेस खुद भी करने पड़ते हैं आपको कैमरा रॉ फिल्टर में आके। तो कैमरा रॉ फिल्टर में मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार ट्वीक्स, आपको ये ट्वीक्स करनी है, ये आप चेंज करेंगे तो आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो मैंने जस्ट वही ट्वीकिंग कर रखी है, और उसके बाद थोड़ा टीरेक्स की आई में ग्लो डाल रखा है, तो ये ग्लो मैं आपको पूरा टीरेक्स के साथ ही दूंगा, कोई अलग नहीं होगा ये पॉइंट में। ठीक है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसे समझाने का, नहीं तो लेंथ ही बहुत हो जाएगा ट्यूटोरियल, वैसे ही 14 मिनट का हो गया,
और उसके बाद थोड़ा सा मैंने सेचुरेशन निकाल लिया टीरेक्स में से, क्योंकि मुझे थोड़ा ओवर सेचुरेटेड लग रहा था आइस के मामले में, आइस सेचुरेटेड थी बाकी सब अंडर सेचुरेटेड। उसके बाद जस्ट कलर एफेक्ट्स यूज़ कर रखा है और एक अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट एक स्मोक साइड में, फिर दोबारा और फिर अपना लोग में। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और जैसे ही 10K हो जाएगा तो एक गिव अवे है छोटा सा, आप सब पार्ट ले सकते हैं। पार्ट लेने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही मैं 10K वाली पोस्ट डालूंगा उसके अंडर आपको कमेंट करना होगा, और जो भी कमेंट करेगा उनमें से रैंडम सिलेक्शन होगा उस बंदे का, और एक गिफ्ट डिसाइड होगा। माइट भी मैं सोच रहा हूँ कि यूसी का गिव अवे करूँ, लाइक पबजी के लिए यूसी गिव अवे, या आपके लिए गिफ्ट कार्ड रखूँ, या कोई प्रीसेट, या कोई लट्स बंडल। तो ये सब मैं ज़रूर पोल के थ्रू आपसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछूंगा, और आपको वहाँ रिएक्ट करके बताना होगा कि आपको क्या क्या नीड है। सो एक ओवरऑल लेके मैं एक चीज़ लाइक गिव अवे रखूँगा, और गिव अवे में अराउंड 3 से 4 लोग तक होंगे जिनको गिव अवे मिलेगा। सो लकी पीपल आप भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर पोस्ट को सपोर्ट करें और जल्दी से जल्दी मेरे 10K हो जाए, बस आई प्रे फ्रॉम गॉड। सो थैंक यू गाइस।